ओके, सो हेडिंग लिख लो, काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग लिख लो काइनेटिक एनर्जी। लिख लिया सबने काइनेटिक एनर्जी। उसमें लिखो द एनर्जी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, द एनर्जी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। लिख लिया। सर एक बार फिर से बोले ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। द एनर्जी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, चलो मैं लिख लेता हूँ, द एनर्जी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एनर्जी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या आएगा? ऑब्वियसली बात है, जूल जूल आएगा, आएगा राइट? सर। एनर्जी का यूनिट जूल। कोई डाउट है उसमें? लिखो उसके बाद आगे। इसका फॉर्मूला भी हम सबको पता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, सो आगे लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मास एम एंड मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ वी, देन द काइनेटिक एनर्जी, देन द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, कितना आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, सबको पता होगा, डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं नहीं सर। सर, वो सर ओके, चलो आगे बढ़े। अब एक बात बताओ बेटा, यही जो वर्क एनर्जी थियरम है वो क्या कहता है? हम जो वर्क करेंगे वो किसमें कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट? वर्क एनर्जी थियरम बेसिकली क्या कहता है? हम जो भी वर्क करेंगे वो कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो कन्वर्ट इज कन्वर्जन हो रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी में हो रहा था। तो वर्क डन जो होगा उसको हम लोग वर्क एनर्जी थियरम से क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन चेंज इन काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। तो अगर तुम्हें ये हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला कहाँ से आया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर वो समझ में नहीं आया तो वो देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, ओके, इनिशियल ये रेस्ट पे है, इनिशियल स्पीड कितनी ले लेते हैं? 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट पर मैंने इसलिए अज्यूम किया कि बिकॉज जब 0 मीटर पर सेकेंड होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? 0 जूल। आ रहा है समझ में सबको? हाँ यस ना, हाँ सर, हाँ चलो। अब इस पे किसी ने कोई कांस्टेंट फोर्स एफ लगाया, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स थोड़ी देर के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी हो गई, उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेट्स से दैट इज एस। आ रहा है समझ में? सो डिस्प्लेसमेंट उसने एस किया, उसकी जो एनर्जी, उसकी जो उस पे जो फोर्स लगा वो फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? एफ। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो सर, चलो, तो यहाँ पे ओके जब वी स्पीड से जा रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ गई होगी, राइट? अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो भी काइनेटिक एनर्जी आई वो किसकी वजह से आई? बिकॉज ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? हाँ सर, जो भी काइनेटिक एनर्जी आई वो किसकी वजह से आई? बिकॉज किसी ने धक्का लगाया, किसी ने उस पर वर्क किया, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आई। तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्क डन जो हुआ होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो बाहर से जो फोर्स लगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट? विल बी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? आ रहा है समझ में? यस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
सब मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो कितना आया, डेल्टा के जो है वो के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। सो ये काइनेटिक एनर्जी के फाइनल का ये फॉर्मूला आएगा और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन के इक्वल आएगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं एस लिख लेता हूँ। सो एम ए एस जो आ गया वो तुम्हारा वर्क डन आया। अब इस एम ए एस में से वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस होता है। इनिशियल स्पीड इसमें जीरो है तो वी स्क्वायर बाय टू जो होगा वो ए एस की वैल्यू आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा हाफ एम ए एस की जगह पे वी स्क्वायर बाय टू। तो हाफ वहां पे आगे लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर। आ रहा है समझ में, छोटा सा डेरिवेशन। कोड आउट वीडियो ऑन कर लो बेटा सब लोग, कोड आउट इसमें। हेलो सर, लिख लो जल्दी से। बड़े आगे सर एक मिनट। ओके जल्दी लिखो। लिख लिए तो बोलना। हो गया yes, sir. बड़े आगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आ गया। यस सर, यस सर। ओके क्वेश्चन करें, लिखो क्वेश्चन। ओके एक्सरसाइज का ही कर लेते पहले, तो बाद में फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो। इन अ बैलिस्टिक डेमोंस्ट्रेशन दिख रहा है बेटा बोर्ड पे? सर आप क्वेश्चन नंबर बोल दो ना, काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6.4 है, क्वेश्चन नंबर 6.4 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6.4। सर इसमें तो दो पोटेंशियल एंड फंक्शन भी है। सर एग्जांपल 6.4 है। यस मिनट, आवाज आ रहा है, एम आई ऑडिबल? यस सर। हेलो, यस बोलो बेटा, क्या डाउट था? नचिकेत क्या बोल रहे थे? नहीं सर वो कुछ नहीं, एग्जांपल 6.4 है।
हाँ एग्जाम्पल 6.4 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 6.4 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meter per second. See table 6.2. Pata nahi kis liye diya hai, wo chalega. On soft plywood thickness of 2 centimeter, the bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। यस सर। सर हो रहा है क्वेश्चन? हो गया। यस सर। हो गया। कोई डाउट? करवाऊँ या हो जाएगा? हो जाएगा। करवाने की जरूरत है? यस सर। हाँ ना जल्दी बोलो बेटा। नो सर। नो सर। ओके आगे बढ़े फिर। काइनेटिक एनर्जी बेसिक समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो। सबका हो गया ना ये क्वेश्चन? फिर बोलना मत, बाकी रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करे? हाँ सर हो गया। हो गया ना? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ बॉल
of mass 2 kg, a ball of mass 2 kg is moving on a friction, moving on a rough surface with a speed of 20 meters per second. Okay, with a speed of 20 meters per second. Okay, the coefficient of friction is given as 0.4. Then find the time taken by the ball to stop. Okay, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो, वर्क एनर्जी के बिना भी हो जाएगा ये, राइट? वर्क एनर्जी के बिना ही हो जाएगा, जल्दी से करो पहले. हो जाएगा? यस. जिस जिसका ये हो जाए वो ये ट्राई करना है. ये दोनों ट्राई करो. G10 लेना है.
हो रहा है बेटा सबसे? यस सर। यस सर। यस फर्स्ट आंसर 5 सेकंड्स है। फर्स्ट आंसर कितना आ रहा है? 5 सेकंड। 5 सेकंड ओके। बाकी लोगों का 5 सेकंड फर्स्ट का ओके हो सकता है। बाकी लोग Am I audible? Yes. Okay. हो गया ये? तो सेकंड का 0.003 जो 0.003 जूल्स 0.0030 नहीं सर 0.003 जूल्स। ओके 0.003 जूल्स ओके। चलो करवा दो फिर सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला करवा दो। फर्स्ट वाला सबसे सिंपल था। देखो मास कितना दे रखा है 2 kg। रफ सरफेस जिसका म्यू दे रखा है तुमको 0.2 ओके। और इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 20 m/s 0.4 भी दे रखा है। देन द फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप। बॉल कितने टाइम में स्टॉप हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। स्टॉप हो गया मतलब फाइनल स्पीड 0 m/s। तुम्हें फाइंड क्या करना पड़ेगा? टाइम। टाइम के लिए फॉर्मूला होता है v = u + at। इससे मैं टाइम निकाल सकता हूं पर मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन निकल सकता है। जब बॉल जा रहा है उस पर जो फ्रिक्शन लग रही है पीछे के डायरेक्शन में उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो सकती है म्यू इनटू एन के इक्वल। एन किसके इक्वल हो जाएगा? एमजी के इक्वल। तो म्यू एमजी हो जाएगा 0.4 इनटू मास कितना है 2 kg और जी है 10। तो 4 × 2 = 8। 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का पीछे की डायरेक्शन में। ओके तो अगर इतना फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास। 8 डिवाइडेड बाय मास गिवन है 2 kg। 4 m/s² का एक्सेलरेशन होगा और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन के आगे भी माइनस लगेगा और फोर्स के आगे भी माइनस लग जाएगा। तो एक्सेलरेशन मुझे अब पता चल गया -2 m/s ये आ जाएगा -4 m/s². वी पता है 0 m/s और यू पता है 20 m/s। अब क्या कर सकते हैं? जीरो इज इक्वल टू 20 - 40 तो टी आ जाएगा 5 सेकेंड्स।
Good out. No, simple. No, sir. Next question. इस क्वेश्चन में क्या आया? स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ टॉय कार ऑफ मास 150 ग्राम ऑन रिलीजिंग द कार्ट इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 0.2 कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग तो यहां पे वर्क डन बाय द स्प्रिंग मतलब क्या पूछा है क्या स्प्रिंग वर्क डन करेगी नहीं करेगी यस सर करेगी उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जिससे कि वर्क डन होता है वो इंडिकेट ये क्या बात हो गई बेटा ये तो कुछ समझ में नहीं आया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो कभी पढ़ा ही नहीं है कभी सुना ही नहीं है सर टॉय का रेस्ट पे थी जिसको 0.2 मीटर पर सेकंड्स की वेलोसिटी मिली जिससे पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हुई है इसके मतलब वर्क डन हुआ है वर्क डन हुआ है वो पता चला ओके तो एक बात बताओ ये कंप्रेस स्प्रिंग होगी स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ टॉय कार मतलब यहां पे एक टॉय कार रखी होगी ओके ऐसा कुछ टॉय कार होगा ओके 150 ग्राम इसका मास दे रखा ऑन रिलीजिंग द कार इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड जब रिलीज किया मतलब क्या होगा स्प्रिंग क्या करेगी उस पे धक्का लगाएगी यस सर राइट तो स्प्रिंग ने उस पे फोर्स लगाया कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाया स्प्रिंग ने आगे की डायरेक्शन में मूव कहां हुआ आगे की तरफ मूव हुआ तो स्प्रिंग ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव वर्क किया हां या ना यस सर कोई डाउट तो स्प्रिंग यहां पे क्या कर रही है स्प्रिंग exerting a force on the cart. Good out. No sir. चलो अब displacement कितना हो रहा है displacement हो रहा है नहीं पता कितना दिया है displacement भी नहीं पता okay तो इसके अंदर बेटा work done by spring force जो है उसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता force into displacement से निकालना बहुत ही मुश्किल है क्यों मुश्किल है बिकॉज फोर्स बेटा हर बार अलग अलग लगाएगी स्प्रिंग कभी भी एक कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाती स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है उसके कंप्रेशन पे आ रहा है समझ में yes, स्प्रिंग का फोर्स जो लगता है वो किस पे डिपेंड करता है उसके कंप्रेशन पे डिपेंड करता है राइट तो स्प्रिंग का फोर्स जो है वो चेंज होता रहेगा डिस्प्लेसमेंट भी हमको गिवन नहीं है तो मैं इधर से नहीं निकाल सकता इस फॉर्मूला से वर्क नहीं निकाल सकता तो मुझे क्या लगा पाऊंगा क्या लगाना पड़ेगा अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कर सकते हैं यस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब एक बात बताओ यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो किस किस की वजह से हो रहा है कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं नेगलेक्ट या फ्रिक्शन फोर्स को हाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो सर एक ही फोर्स लग रहा है स्प्रिंग का कौन कौन सा फोर्स लग रहा है एक ही फोर्स लग रहा है स्प्रिंग का और कोई नहीं लग रहा ग्रेविटी और कोई नहीं लग रहा ग्रेविटी का लग रहा है और नॉर्मल फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स रिएक्शन नॉर्मल फोर्स राइट यस तो ये टोटल तीन फोर्स लग रहे हैं बेटा एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉर्मल फोर्स और तीसरा स्प्रिंग फोर्स इन तीनों ने मिलके जो वर्क डन करता है वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है आ रहा है समझ में एक बार ये चीज नोट करके लिख लो ये चीज थोड़ा सा नीचे नोट करके लिख लो ये चीज इन वर्क एनर्जी थियरम वी कंसिडर वर्क डन बाय ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ओके वर्क डन बाय ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट On an object. समझ में आ गया ये हमेशा याद रखना वर्क एनर्जी थियरम जब लगाएंगे तो वर्क डन जो होगा वो किसका होगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल अगर तुम्हें याद है तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था रेन ड्रॉप वाला उसके अंदर रेन ड्रॉप जब नीचे गिर रहा था तो उसकी स्पीड मुझे पता थी कि इनिशियल स्पीड जीरो है बाद में स्पीड क्या थी वो पता थी ओके काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाला इसको मैंने इक्वेट किससे किया था वर्क डन बाय ऑल द फोर्स उस टाइम पे दो फोर्स लग रहे थे एक तो रेजिस्टिव फोर्स दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स उन दोनों का मिला के वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा समझ में आया बेटा सबको आ रहा है समझ में ये यस सर यस ओके चलो सो वर्क डन ऑल फोर्सेस का लेना होगा हमेशा याद रखना यहाँ पे तीन फोर्स लग रहे हैं ओके तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स
प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये सब मिला के कितना होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, आ रहा है समझ में? अरे हाँ ना, कुछ बोलते जाओ। यस सर। हाँ सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स लेना है, ये चीज याद रखना है। दूसरी एक चीज बेटा याद रखनी क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? जीरो। भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? क्यू जीरो होगा, नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है। सिमिलरली वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो होगा, ओके, बिकॉज नॉर्मल भी परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो जीरो प्लस जीरो, दो जीरो इसके आए, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बाय क्या है, स्प्रिंग फोर्स, इज इक्वल्स टू कितना आएगा? इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली वो कार रेस्ट पे है तो सिर्फ हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर प्लस जीरो आएगा। हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर कर लो कितना आएगा, हाफ मास कितना दे रखा है 0.15, ओके, मल्टीप्लाई बाय स्पीड का स्क्वायर, स्पीड कितना है 0.2 इनटू 0.2, कितना आएगा बताओ ये? हेलो ऑडिबल, कितना आएगा आंसर? 0.003 सर। वही आ रहा आ रहा है वही कोई डाउट? ना सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, बड़े आगे। यस सर। बड़े आगे। यस सर। ओके, कोई डाउट नहीं ना? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें या थियरी स्टार्ट करते हैं? चलो थियरी कर लेते हैं। अब आगे हेडिंग डाल दो, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, वर्क डन, वर्क डन by work done by variable force, work done by variable। हेडिंग डाल दिया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल फोर्स का मतलब कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है, राइट? ऐसा फोर्स जो कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। अब एक बात बताओ, जब फोर्स चेंज हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा क्या वर्क डन में? जैसे कि मान लो, मैं एक क्वेश्चन छोटा सा एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पे कुछ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ओके? पहले फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का, मैंने इस पे कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाया, वेरिएबल फोर्स लगाया, मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता हो सकता है। मान लो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मीटर, ओके, जब इधर पहुंचा तब मैंने देखा कि जो फोर्स है 10 न्यूटन नहीं था, लेट्स से फोर्स अब लग रहा है 20 न्यूटन का, और तुमसे पूछा कि भाई वर्क डन निकालो, तो बताओ क्या प्रॉब्लम आएगा निकालने में, वर्क डन निकालने में दिक्कत क्या आएगी वो बताओ।
सर वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कांस्टेंट फोर्स लगता है तभी हम वर्क निकाल सकते उसका फॉर्मूला, और यहाँ पे वेलोसिटी भी नहीं है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो वाला थ्योरम नहीं लगा सकते, तो वर्क डन विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल सके। यस तो अब देखो बेटा वर्क डन सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ज्यादा बेटर है कि एफ डॉट एस लिखे, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, एफ डॉट एस ही है क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे स्पीड्स नहीं पता तो मैं वो नहीं कर सकता। हाँ बोलो बेटा एवरेज लेना है। अब मैं वही डिस्कस करते कि क्या करना पड़ेगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा ये पता है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है पांच है, बट फोर्स के बारे में बहुत कंफ्यूजन है बिकॉज फोर्स की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो सकती है, पहले 10 लग रहा था मान लो, फिर 5 लगना चालू करे, फिर मान लो 50 लगना स्टार्ट करे, जब मैंने यहाँ पे देखा, जब लेट से टाइम जीरो पे देखा तब लग रहा था 10 सेकेंड, तब लग रहा था 10 न्यूटन, जब मान लो मैंने ये 5 मीटर 5 सेकेंड के बाद देखा तब 20 लग रहा था, तो इसका मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ये 10 है ये 20 है तो एवरेज 15 होगा, ऐसा गलत हो जाएगा ऐसा करना, क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होने वाला फोर्स है या रेंडम कोई भी फोर्स लग रहा है, मान लो पहले 10 लग रहा था फिर 15 लग गया, फिर मान लो अचानक 50 लग गया, फिर मान लो नेक्स्ट सेकेंड पे 0 लगने चालू कर दिया, फिर मान लो नेक्स्ट सेकेंड में -5 लगना चालू किया, मुझे इंडिविजुअल पे पता ही नहीं है क्या करना है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से ये जो एक क्वांटिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है, असली चेंज हो रही है। ओके सो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे, इस टाइप में इस टाइप का जब फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है कैसे निकाले? सर इसमें हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, जैसे अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो एक कर्व आएगा, तो एरिया अंडर जो कर्व होगा वो क्या बोलते हैं हमारा फोर्स होगा। हाँ ये तो पढ़ yes, पढ़ के बोल दिया ये तो, राइट? नहीं सर कल हमको पढ़ लिया था इसलिए बोला। अच्छा हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, पढ़ के बोल दिया, दिमाग नहीं लगाया, वो तो बुक में लिखा हुआ है, तुमने थोड़ी दिमाग लगाया। हाँ है ना? हाँ सर। तुम्हें कैसे पता चला इसका ग्राफ कर्व ही आएगा? कुछ नहीं पता चला ना, वो तो बुक में लिखा था, तुम दिमाग लगाओ ना कि भाई क्या होगा कैसे करेंगे। कांस्टेंट फोर्स होगा तो उनका स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, तो कर्व ही आएगा ना। अरे कांस्टेंट फोर्स थोड़ी लग रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है वो भी नहीं पता, चेंज हो रहा है ये बोल रहा हूँ मैं सर। अगर चेंज हो रहा है तो ग्राफ तो कर्व ही होगा ना। पर बेटा वो ग्राफ कर्व कौन से कर्व होगा वो पता नहीं चलेगा ना, कर्व भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, सर्कल भी एक कर्व है, पैराबोला भी एक कर्व है, तो कौन सा कर्व है वो थोड़ी पता है, वो तुम्हें इक्वेशन से पता चलेगा, उसके बिना पता नहीं चलेगा। अभी मैं तुमको थियरी समझा रहा हूँ कि बेसिक करना क्या पड़ेगा हमको, वो डिस्कस करते हैं, राइट? ओके चलो yes. तो दिक्कत क्या आ रही है उस पर ध्यान दो, दिक्कत ये आ रही है कि ये जो मेरा फोर्स लग रहा है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ओके और मुझे करना क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, तो ऐसा मैं क्या करूं कि फोर्स का जो मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से हो जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग लगाएंगे? बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, दिक्कत आ रही है समझ में कि क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ? yes. या फिर से समझाता हूँ, देखो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा लेता हूँ वापस। मान लो एक आदमी है वो इस पे धक्का लगा रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली 10 न्यूटन फोर्स लगाता जा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बार 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। कब तक 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है? जब तक उसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ना हो जाए तब तक 10 न्यूटन फोर्स लगाता जा रहा है। ओके कॉन्स्टेंटली लगा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, वर्क डन कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम ही है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, एफ डॉट एस करेंगे तो कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 50 जूल, इस तरह से हम वर्क डन निकालते थे।
राइट? यस सर, यस सर। बट अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अब ये जो डिस्प्लेस, ये जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेशन होने में दिक्कत आ जाएगी, राइट? मान लो अब ये जो फोर्स लगा रहा है वो ऐसा लगा रहा है, मान लो जो फोर्स लगा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि F is equals to 10 plus X. X मतलब let's say displacement. X क्या represent कर रहा है? Displacement. यहाँ पे मान लो zero displacement है, तो जब इधर था तो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन. जब मान लो ये आगे चला गया 1 मीटर पे, कहाँ चला गया ये? 1 मीटर पे चला गया, तब फोर्स कितना लगेगा? 10 प्लस एक्स, 10 प्लस 1, 11 लगेगा. 2 मीटर पे चला जाएगा, 10 प्लस 2, 12 न्यूटन लगेगा. और जब 5 मीटर पे चला गया तो 10 प्लस 5, 15 न्यूटन लगा. ऐसा वर्क लग, ऐसा फोर्स लग रहा है. आया समझ में? हाँ, तो ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है. हो सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है. तो पहले फोर्स लग रहा होगा जब x 0 है तो 10 लग रहा है, जब x 1 हो गया तो 11 लगेगा, जब x 2 हो गया तो 10 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 14 लगेगा. आ रहा है समझ में? तो ऐसा कुछ भी फोर्स लग रहा है जो x पर डिपेंडेंट है, तो उस केस में हम वर्क कैसे निकालेंगे, क्योंकि फोर्स ही तुम्हारा चेंज हो रहा है. तो क्या करना चाहिए, किस चीज का यूज करेंगे, बताओ सर. अगर ये फोर्स चेंज हो रहा है तो हमें चेंज इन फोर्स कितना हो रहा है वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से शायद हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगाएंगे. ओके, बाकी लोग बेटा? सर मैं एग्री हो, मैं टिकट्स के आइडिया से. समझ में आया बेटा सबको क्या बोल रहा है नचिकेत? या नहीं आया? मेरे को तो नहीं आया, तो समझाओ मुझे नचिकेत क्या बोल रहा है. सर उसका कहना है कि हम पहले फोर्स में मतलब चेंज इन फोर्स कितना आ रहा है वो देखेंगे, उसके हिसाब से फिर कैलकुलस लगाएंगे उस पे. फोर्स पे कैलकुलस लगाना समझ में नहीं है. कैलकुलस लगाएंगे, ये बात सही बोल रहा है नचिकेत, बट कैसे लगाते हैं वो नहीं पता. अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कैलकुलस का यूज क्यों आया इधर. सर अगर हम फोर्स को माने कि वो 10 है, फिर कुछ टाइम के बाद x उसमें ऐड हुआ, तो अगर हम किसी कांस्टेंटली एक चीज ऐड हो रही है तो हमें का मतलब रेट ऑफ चेंज उसका निकालना है, तो उसके लिए तो हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं लगाना पड़ेगा. नहीं, और सोचो, और मतलब बात सही है, कुछ और सोचो. और मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है और फोर्स चेंज हो रहा है. हाँ हाँ, तो एक्स वाई प्लेन पे एक्स पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और वाई पे फोर्स, और फिर इंटीग्रेशन करते हैं ग्राफ बना के. अच्छा देखो बेटा, एक सिंपल चीज बताओ, इतना क्यों सोच रहे हो? मेरा प्रॉब्लम क्या है वो सोचो. रूट कॉज एनालिसिस करो हमेशा. ओके, रूट कॉज एनालिसिस. रूट कॉज एनालिसिस का मतलब क्या होता है? बेटा रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, सुना है कभी ऐसा? हेलो, नहीं सुना ऐसा कुछ? अरे यार क्या फिर कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं सुना किसी ने? सुना ना, क्या होता है बताओ? कॉज एनालिसिस मतलब हमें मतलब नीचे से स्टार्टिंग से. रूट कॉज एनालिसिस का मतलब, रूट मतलब जो मेन जो हमारा प्रॉब्लम है उसकी जो जड़ है उस पे एनालिसिस करना है. हाँ या ना? यस. ओके, बहुत सिंपल चीज है, हर जगह पे यूज होता है फिजिक्स में. हर बार ये यूज करोगे तो तुम्हारा आराम से सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो बताओ, दिक्कत क्या रही है, वर्क क्यों नहीं निकल रहा है मेरा सेकंड केस में?
बेटा वर्क क्यों नहीं निकल रहा, वर्क निकालने में दिक्कत क्या आ रही है वो बताओ। सर फोर्स बार बार चेंज हो रहा है। फोर्स क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है, राइट? यही तो प्रॉब्लम है भाई। जैसे ही मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने जाता हूँ, फोर्स जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, अभी तक हमने पढ़ा तब क्या था, फोर्स कांस्टेंट रहता था। जैसे 10 का 10 रहेगा तो मैं ऑलरेडी 10 इंटू 5 करके 50 जूल आंसर लेके आऊंगा। पर जैसे ही मैं देखता हूँ कि फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई कौन से फोर्स से करूँ वही पता नहीं चल रहा। हाँ यही तो प्रॉब्लम है बेटा। हाँ ना कुछ बोलो। हाँ सर। हाँ यही दिक्कत है ना कि फोर्स चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे देखो ध्यान से। मान लो यहां से मैं बॉल ऑब्जेक्ट को इधर तक डिस्प्लेस कर रहा हूं, कोई भी एक टाइम पे या फिर कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट पे। लेट्स से यहां से जब ऑब्जेक्ट एक्स जितना आगे चला जाए, कितना आगे चला गया, एक्स जितना आगे चला गया होगा। एम आई ऑडिबल? कोई भी एक मोमेंट एक्स पे मैं देख रहा हूं कि उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है? वीडियो ऑन कर लो बेटा, पढ़ाई करनी है तो। वीडियो ऑन रखो सब लोग, सब ने बंद करके रखा है, ऑन करके बैठो जल्दी से। सुजनम, श्रीनिवास, तनिष्क, वृंदा, यश अग्रवाल, शिवम, सक्षम, मेघ, हीना, रश्मि, वीडियो ऑन रखो। चलो सो हुआ क्या बेटा, कोई एक्स पोजीशन पर मैंने देखा कि उस पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ कि एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाता हूँ। ये जो एफ फोर्स लग रहा है उसको चेंज होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, एक्स से बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवा देता हूँ बॉक्स का। कितना छोटा डिस्प्लेसमेंट करवाया? वेरी 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 स्मॉल। कितना स्मॉल नहीं पता, बट बहुत छोटा। कितना छोटा वही तो नहीं पता, बहुत छोटा। इतना छोटा कि मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता कि ये कितना छोटा है। है समझ में? यस सर। अरे हाँ या ना, इंटीग्रेशन में तो काम करते थे इसमें हम। सो मैंने बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला dx। क्या बोला उस डिस्प्लेसमेंट को? स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ओके, कोई डाउट? नो सर। अब उतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि फोर्स जो रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। उतने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मेरा फोर्स होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया कि वो दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा सा है। तो उतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मेरा फोर्स रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। सो मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स जो भी है वो मल्टीप्लाई बाय मैं dx कर दू तो मुझे क्या मिलेगा? एक वर्क मिलेगा। पर ये वर्क क्या होगा? बहुत ही स्मॉल वर्क। ये वर्क में मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को x से x प्लस dx तक ले गया। तो dx जितना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो वर्क करना पड़ा उसको मैंने बोल दिया स्मॉल वर्क dw। आ रहा है समझ में ये? यस सर। ओके, और ऐसे ही छोटे 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 वर्क अगर क्या मिल जाएगा, ऐसे ही छोटे 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 वर्क को ऐड करता जाऊंगा तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। तो मेरा जो W होगा, जो नेट वर्क होगा, दैट विल बी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क स्मॉल dw, व्हिच कैन बी रिटन एज व्हाट? व्हिच कैन बी रिटन एज f डॉट dx, फोर्स और dx का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कोई x की वैल्यू 0 है, और यहां पे मान लो x की वैल्यू जो भी हो, कुछ x ले लेते या फिर x नॉट ले लेते या कुछ भी ले सकते। तो मैं इसको मैं x नॉट बोल देता हूँ और इसको मैं ओरिजिनल इनिशियल एंड फाइनल बोल देते, तो x f बोल देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि x 0 से x f तक, ये करने से मुझे वर्क डन मिल जाएगा f डॉट dx। आ रहा है समझ में? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज क्यों किया वो समझ में आया? इंटीग्रेशन का यूज क्यों किया वो समझ में आ गया?
किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके सो एक्स ओ की जगह पे एक्स आई लिखा है अपने बुक्स में, तो एक्स आई लिखते हैं इनिशियल एंड फाइनल, एक्स आई से एक्स एफ। ओके एक्स आई से एक्स एफ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंच गया, तब तक जो वर्क होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ओके आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? इसी को करने का बेटा दूसरा तरीका क्या है? इसी को करने का दूसरा तरीका, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एफ डॉट डी एक्स है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है? तो हम सबको पता है इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जैसे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, मान लो कुछ ऐसा चेंज हो रहा है, तो जो एक्स आई है, लेट्स से ये पॉइंट है एक्स आई और ये पॉइंट है एक्स एफ इनिशियल एंड फाइनल, तो जो मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स करता हूँ एक्स आई से एक्स एफ तक, वो एक्चुअल में क्या दिखाता है? वो क्या दिखाता है? एरिया अंडर द ग्राफ दिखाता है ना, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द ग्राफ। सो बेसिकली ये क्या होगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ इज गिवन बाय वर्क डन। ये जो एरिया होगा इसी एरिया को मैं क्या कह सकता हूँ, वर्क डन कह सकता हूँ। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ एफ डॉट डी एक्स। आया समझ में? अरे यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ ना कुछ बोलो, अकेले मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। इसकी थियरी लिखनी है अभी। ओके इसकी थियरी लिखो। चलो इफ अ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ अ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, अ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड from its initial position xi to final position xf. Okay, a variable force acting on an object, a variable force acting on an object displaced the object from its initial position, from its initial xi to final position xf, clear? Then to find work done by that force, then to find work done by that force, we will consider a small displacement in which the force acting on the object, a small displacement ki jagah pe likhna, a very very small displacement, very very small displacement in which the force acting on the object is considered to be constant. Likh raha hai yahan tak, likh rahe ho? Okay. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. We consider a very, very small displacement in which the force acting on the object is considered to be constant. Now the product of force and the displacement will give the work done to displace the object by infinitely small displacement. Okay, if we add up
all this little forces, yeah, for all this small forces, all this work done then we can find the work done by the variable force. आ रहा समझ में? ये हम लोगों ने एकदम लेमैन की लैंग्वेज में वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया एकदम सिंपल लैंग्वेज में, राइट? लिखा यहाँ तक सर, मतलब फोर्स हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, फोर्स हर एक पोजीशन पे अलग अलग जगह पे हर जगह पे चेंज हो रहा है, एक्स के साथ डिपेंडेंट है वो. ओके सर, चलो आगे लिखो. इफ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज स्मॉल वी कैन टेक फोर्स एफ एक्स ओके एज अ अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट एंड द वर्क डन इज देन एफ एक्स डी एक्स. यहाँ पे बेटा एफ के बाद में ब्रैकेट में एक्स क्यों लिखा है? एफ एक्स का ये जो लिखा है वो क्या पता चला? हेलो सर, ये जो बोल रहा हूँ, हाँ ये जो लिखा है इसमें एफ के बाजू में एक्स क्यों लिखा है ब्रैकेट में? वो फंक्शन है, फंक्शन राइट, एज एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके वो लिखा है, लिख लिया यहाँ तक. लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर. ओके इतना हो गया. चलो अब मैं एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूँ, उसमें से लिख लो थियरी का आगे का. वेट अ मिनट, चलो दिख रहा है. इसमें बेटा ये लिखने की जरूरत है, दिस इज इलस्ट्रेटेड वो वाला मत लिखो, एडिंग दिस सक्सेसिव वर्क ऐसा लिखना है यहाँ पे. एडिंग मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ वो लिखो, एडिंग दिस सक्सेसिव वर्क विल गिव W इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डेल्टा एक्स, एडिंग दिस ऑल वर्क विल गिव W इज इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स. लिखा इतना, ये जो दिख रहा है ना वो लिखना है पूरा. Adding this successive work will give this. लिख लिया ये? Yes sir. Okay. उसके बाद लिखो where summation is from initial position xi to final position xf. xi to xf. और उसके बाद ये पूरा, if displacement are allowed to approach zero, अगर हम लोग delta x को approach to zero कर दे. एग्जैक्ट जीरो नहीं है, अप्रोचिंग टू जीरो कर दे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर दे, तो एफ एक्स डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख लेंगे और जो समेशन है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स आई से एक्स एफ तक, वेयर लिमिट टेंस फॉर सम वेयर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एंड द वेयरिंग फोर्स द वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फोर्स ओवर अ डिस्प्लेसमेंट. ये लिख लो. आ रहा है समझ में? Yes.
डन लिख लिया सर। लिख लिया सबने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसके बाद ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लो। ओके ये बेसिकली ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था तब करवाया था, एक्स और वाई लेके किया था तब। अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स ही है और वाई की जगह पे एफ ऑफ एक्स आ गया, बाकी सब सेम है। आ रहा है सबको समझ में? तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो और फिर ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना। ओके सो ये दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे ये जो दिखा है वो क्या बता रहा है, पता है किसी को? ये जो दिखा रहा है वो एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो एरिया जो तुमको दिख रहा है, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बता सकता है? सर वर्क डन इक्वल टू चेंज, रेक्टेंगल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। नहीं नहीं ये एरिया किसको दिखा रहा है वो मैं पूछ रहा हूँ। ये एरिया अगर मुझे इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है तो ये एरिया किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ऊपर हमने जो इक्वेशन लिखा ना समेशन वाला, उसको रिप्रेजेंट ये एरिया, मतलब ये जो ग्राफ है उसमें से ये जो एरिया बना, ये रेक्टेंगल स्ट्रिप्स बनाई, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आया कैसे या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को? बिकॉज इसमें देखो छोटी छोटी जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स दिखाई है, उस स्ट्रिप्स में ये जो विड्थ होगी वो क्या होगी? विड्थ जो होगी वो डेल्टा एक्स जितनी होगी। ओके और ये जो हाइट होगी वो हाइट कितनी होगी? एफ ऑफ एक्स जितनी। यहाँ पे एफ की कुछ वैल्यू लिखी होगी, एक्स मान लो यहाँ पे पहुंच गया तो एफ ऑफ एक्स ये आएगा। तो ये जो हाइट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। विड्थ जो है वो डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक स्ट्रिप का एरिया मिला। और ऐसी जितनी भी सारी स्ट्रिप्स है उन सभी स्ट्रिप्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है? समेशन का फंक्शन होता है। आ रहा है समझ में? अरे यार हाँ ना कुछ बोल दो। ओके सिमिलरली नेक्स्ट वाला जो है, ये वाला जो ग्राफ तुमको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेक्स्ट ग्राफ जो है जिसमें वर्क लिख दिया डायरेक्ट, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो ये ग्राफ अब रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स ओ एक्स एफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बिकॉज तुम्हारा यहाँ पे जो स्ट्रिप है वो इतना छोटा है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो ये जो स्ट्रिप्स पहले बन रही थी वो बहुत ही पतली हो गई, बहुत ही छोटी हो गई, और ऐसी सारी जो स्ट्रिप्स बन रही है उसको मैंने ऐड कर दिया। तो इन सभी स्ट्रिप्स को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? एरिया अंडर द ग्राफ मिलेगा, और उसी एरिया अंडर द ग्राफ को वर्क कहेंगे। आ रहा है समझ में? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को। yes, और ऊपर वाला जो था वो समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंटीग्रेशन को कर रहा है, वो समेशन को कर रहा है। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। ओके चलो सो ये करना है, लिखना है डायग्राम और एग्जांपल 6.5 ये करके आना है। एग्जांपल 6.5 नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तुम्हें वहां तक करके लाना है। ओके यस सर।